सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइस, बोर्ड एग्जाम्स 2021 को लेकर काफ़ी सारा न्यू न्यूज़ आ रहा है रोज यूट्यूब पर। बोर्ड एग्जामिनेशंस कैंसल्ड, दिस दैट, सीआईएससी इज शॉकिंग अपडेट, बी अलर्ट सीबीएसई, दिस अपडेट दैट अपडेट, एंड स्टूडेंट्स, बिकॉज ऑफ दिस स्टूडेंट्स आर गेटिंग डीमोटिवेटेड, दे आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर स्टडीज। देयर ऑलरेडी स्टूडेंट्स आर वेरी टेंस, दे आर वरीड रिगार्डिंग द बोर्ड एग्जाम्स क्या होगा, दे आर ऑलरेडी इन अ बिग स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन, एंड दीज पीपल ऑन यूट्यूब कंटिन्यूसली मेकिंग वीडियोज, दिस अपडेट दैट अपडेट, एग्जाम्स कैंसल्ड, बोर्ड एग्जामिनेशन तो डेफिनेटली कैंसिल होगा, एंड बिकॉज ऑफ दिस लिटरली मेनी स्टूडेंट्स, इवन द स्टूडेंट्स आर वेरी गुड इन स्टडीज, दे आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट। नाउ इस वीडियो में हम अभी जो प्रेजेंट स्टेट है 2021 बोर्ड एग्जाम्स को लेकर उसको डिस्कस करेंगे, अभी तक का क्या सिचुएशन है, इसके साथ साथ अभी जो है एग्जामिनेशंस को लेकर बोर्ड एग्जाम्स का काफी सारे कंफ्यूजन है, वेदर द बोर्ड एग्जाम इज गोइंग टू कैंसिल और वेदर द बोर्ड एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड और इट इज गोइंग टू बी कंडक्टेड ऑनलाइन, ऑफलाइन और वेदर इट शैल बी पोस्टपोन्ड अगेन। सो दिस इज द थिंग, इस वीडियो में हम इसी को लेकर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आई एम गोइंग टू अलर्ट यू, आई एम गोइंग टू वॉर्न यू रिगार्डिंग द बोर्ड एग्जाम्स। अभी जो है अगर तुम आज से कैलकुलेट करो, सो यू हैव अराउंड 20 डेज लेफ्ट फॉर योर प्रिपरेशन, विच इज़ क्वाइट लेस, एंड विद इन दिस टाइम ओनली यू नीड टू प्रिपेयर फॉर द बोर्ड एग्जाम्स। अभी बोर्ड एग्जाम्स होगा या फिर नहीं होगा इसको लेकर कोई भी अपडेट नहीं है, देर इज़ नो, इट हैज़ नॉट बीन ऑफिशियली क्लैरिफाइड, बट स्टिल अभी तक सीआईएससी का ऑफिशियल साइट पे कुछ नहीं आया है। सो इसका मतलब ये है कि अभी तक आपको ये कंसिडर करके चलना है कि एग्जाम्स जो है उसके लिए प्रिपेयर करके रखो, एटलीस्ट लास्ट 20 डेज आर लेफ्ट एंड दिस 20 डेज रियली इट्स वेरी वेरी प्रीशियस, सो मेक श्योर दैट यू प्रिपेयर फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। नाउ कुछ पॉइंट्स को लेकर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आईसीएसई, आईएससी, सीबीएसई सारे स्टूडेंट्स के लिए, सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो लेट अस बिगिन विद दिस वीडियो। वेल, सो सी, फर्स्टली पेरेंट्स, स्टूडेंट्स पेरेंट्स एंड इसके साथ साथ सम सेलिब्रिटीज लाइक सोनू सूद, सम मिनिस्टर्स लाइक प्रियंका गांधी एंड ऑल, दे आर सपोर्टिंग फॉर द कैंसिलेशन ऑफ द बोर्ड एग्जाम्स। व्हाई? बिकॉज कोविड-19 केसेज आर इंक्रीजिंग रैपिडली, दिस इज द सेकेंड वेव एंड टिल नाउ मोर देन 150,000 cases have been reported till now, and in this situation it is difficult to conduct the board examinations considering the keeping in mind the safety of the students. Now what are the options that you are left with? यहाँ पर हमारे पास ज़्यादा options नहीं है, कुछ options available है, जैसे कि अगर offline mode में exams conduct नहीं होता है तो उसके बदले क्या हो सकता है, online mode में काफ़ी सारे students ये demand कर रहे हैं कि board exams online होना चाहिए। अगर board exams online होता है तो see, इन द डेवलप्ड कंट्रीज डेफिनेटली इट कैन बी पॉसिबल, बट फ्यू रूरल एरियाज जिसमें कि इंटरनेट का स्पीड उतना अच्छा नहीं है, इंटरनेट कनेक्टिविटी इज़ नॉट गुड, सो इन दैट पर्टिकुलर एरियाज इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू कंडक्ट द बोर्ड एग्जामिनेशंस ऑनलाइन। सो ऑनलाइन एग्जाम्स को कंसिडर करना, दिस इज ऑल्सो, बहुत कम चांसेस है कि बोर्ड एग्जाम्स को ऑनलाइन करा जाएगा, प्लस इसके साथ साथ और भी बहुत सारे इशूज़ है। इसके साथ साथ अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, MCQs होता, सो इट वुड बी अ लिटिल ईजी, बट हेयर बोर्ड एग्जाम्स में थ्योरी पेपर आपको पता है क्या पैटर्न रहता है बोर्ड एग्जाम्स का, ICSE का, CBSE का। नाउ दूसरा ऑप्शन जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं इज टू पोस्टपोन द बोर्ड एग्जाम्स। नाउ बोर्ड एग्जाम्स को पोस्टपोन कराना, सी, बोर्ड एग्जाम्स अभी नहीं लेकर, नेक्स्ट मंथ बोर्ड एग्जाम स्टार्ट है, नेक्स्ट मंथ से, दैट इज इन द मंथ ऑफ मे, 4th of May से सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो ICSE हो, ISC हो, CBSE हो, सारे स्टूडेंट्स के लिए। सो वट कैन वी एक्चुअली डू, वी कैन पोस्टपोन द बोर्ड एग्जाम्स, मे में है, सो इट कैन बी कंडक्टेड इन जून, जुलाई, अगस्त, जब भी, जब कोविड का केसेस थोड़ा कम हो। सो सी, हेयर ऑल्सो ऐसा नहीं है कि बोर्ड एग्जाम्स ही है, उसके बाद भी क्लास 11 है, मैनी स्टूडेंट्स प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक JEE एग्जाम्स, नीट एग्जाम्स एंड ऑल, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, तो उसके वजह से बोर्ड एग्जाम्स को इतना देर तक डिले करना, दिस इज ऑल्सो डेफिनेटली नॉट गोइंग टू बी अ गुड ऑप्शन। एंड थिंक अबाउट द क्लास 12 स्टूडेंट्स, वट आर दे गोइंग टू डू, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ क्लास 10 स्टूडेंट्स नहीं है, क्लास 12 स्टूडेंट्स भी है, एंड अगर पोस्टपोन भी हो जाता है तो क्लास 11 एंड क्लास 12 का सिलेबस जो है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर नीट एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, डेफिनेटली यू कैन नॉट स्टॉप योर स्टडीज, पढ़ाई तो करना ही है, प्रिपरेशन करना ही है, एंड इसके साथ सब मेनी स्टूडेंट्स आर डिमांडिंग द कैंसिलेशन ऑफ द बोर्ड एग्जाम्स, एंड यस, आई डू अग्री टू दिस फैक्ट दैट लाइफ इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर एग्जामिनेशंस, इवन इफ इट इज अ बोर्ड एग्जाम्स, लाइफ इज मोर इंपॉर्टेंट देन द बोर्ड एग्जाम्स, बट इन केस इफ एग्जाम्स आर कैंसल्ड, अगेन इट इज गोइंग टू बी द लॉस ऑफ द स्टूडेंट्स ओनली। व्हाई? बिकॉज अगर क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम्स नहीं होगा, वन ईयर, वन सेशन, वन एकेडमिक सेशन विल कम्प्लीटली बी वेस्टेड जस्ट लाइक दैट, एंड बिकॉज ऑफ दिस यू आर द वन हु इज गोइंग टू सफर। तो हमने जितना भी ऑप्शंस अभी तक डिस्कस किया, सारे ऑप्शंस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, सारे ऑप्शंस में देर आर सम नेगेटिव एस्पेक्ट्स, एंड इसके साथ साथ अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज दैट सीबीएसई, सीआईएससी के जितने भी सीनियर ऑफिशियल्स हैं, अकॉर्डिंग टू द मीडिया रिपोर्ट्स एंड ऑल, इट इज बीइंग सेड दैट द सीनियर ऑफिशियल्स, इसके बारे में बोर्ड एग्जाम्स के रिगार्डिंग अभी तक कुछ भी नहीं बोला है, रादर दे हैव सेड टू प्रिपेयर वेल फॉर द बोर्ड एग्जाम्स, एंड दे हैव सेड दिस दैट
जितना भी स्ट्रिक्ट प्रिकॉशंस है, ऑल द सेफ्टी प्रिकॉशंस, ऑल द प्रोटोकॉल्स, ऑल द एसओपीज एंड ऑल दे आर गोइंग टू बी फॉलोड स्ट्रिक्टली. इसके साथ साथ सीबीएसई के कुछ सीनियर ऑफिशियल्स ने ये बोला है कि जितना भी एग्जाम सेंटर्स है, पहले जितना भी एग्जाम सेंटर्स होता था, दे आर गोइंग टू बी इंक्रीज बाय 40-50%. सो दे आर गोइंग टू इंक्रीज द नंबर ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स एंड ऑल द सेफ्टी प्रिकॉशंस आर गोइंग टू बी फॉलोड. बट स्टिल अगर बोर्ड एग्जाम्स कंडक्ट होता है तो कुछ भी हो सकता है. तो देखो, गवर्नमेंट काउंसिल, जो भी एजुकेशनल मिनिस्टर, ये लोग बोर्ड एग्जाम्स के रिगार्डिंग अभी क्या डिसीजन लेंगे, कब डिसीजन लेंगे, दैट इज नॉट इन आर हैंड्स. लेकिन अभी जो है, इतना याद रखो कि 20 डेज आर लेफ्ट फॉर योर प्रिपरेशंस. ये लास्ट 20 डेज है जिसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है और प्रिपरेशंस करना है, बिकॉज अभी तक इसके रिगार्डिंग कुछ भी ऑफिशियली क्लैरिफिकेशन नहीं है. तो अभी प्रिपरेशन करते रहो, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड इफ एनीबडी टेल्स यू कि बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल होगा, कोई कुछ भी बोले, पर अभी जो है प्रिपरेशंस करते रहना है. प्लीज कंटिन्यू द प्रिपरेशंस, बिकॉज अभी जो है 20 डेज आर लेफ्ट. वेरी सून आई एम गोइंग टू अपलोड अ वीडियो ऑन द स्ट्रैटेजी, लास्ट 20 डेज स्ट्रैटेजी के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इफेक्टिव स्ट्रैटेजी टू कंप्लीट द सिलेबस इन लास्ट 20 डेज. टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. इसके साथ साथ मेक श्योर यू आर देयर इन टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम, दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.